पोस्टर परीक्षा में क्षेत्रीय भाषा का विकल्प नहीं होने के मुद्दे पर राज्यसभा की कार्यवाही में अवरोध। AIADMK सांसदों की परीक्षा रद्द कर तमिल भाषा में भी परीक्षा कराने की मांग। सरकार की ओर से मामले पर संचार मंत्री की तरफ से कल बयान देने के आश्वासन के बावजूद नहीं चली शून्यकाल और प्रश्नकाल की कार्यवाही। सड़क, राजमार्ग और जल मार्गों के निर्माण का तेजी से काम कर रही है सरकार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा का लोकसभा में दिया जवाब। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान भी एजेंडे में शामिल। कर्नाटक के 10 बागी विधायकों के साथ ही 5 और बागी विधायकों की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। बागी विधायकों की इस्तीफा स्वीकार करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश देने की मांग। बीजेपी ने स्पीकर के रवैये पर जताई नाराजगी। विधानसभा में 18 जुलाई को होगा कुमारस्वामी सरकार का शक्ति परीक्षण। पूर्वोत्तर राज्यों और बिहार में बाढ़ से 70 लाख लोग पीड़ित। मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 45। NDRF की 119 टीमें तैनात। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री असम के बाढ़ पीड़ित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में बाढ़ से निपटने के कदमों की दी जानकारी। मुंबई के डोंगरी में 4 मंजिला इमारत गिरी। मलबे में 40-50 लोगों के दबे होने की आशंका। दमकल विभाग और NDRF की टीमें मौके पर मौजूद। राहत और बचाव का काम जारी।